शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों को उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 12 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया। इसमें 2022-23 के 7 करोड़ 19 लाख रूपये, 2020-21 और 2021-22 के तहत 5 करोड़ 16 लाख रूपये का भुगतान किया गया है और इस राशि का पुनर्भरण करने के बाद अब विभाग इन स्कूलों को पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। अब निजी स्कूल आरटीई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आवेदन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, जिसकी जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी को करनी होगी। जी सर, भुगतान को लेकर किस तरह की प्रक्रिया की गई है आप लोगों के द्वारा, वो बताएं। सीधे हाँ। ये ऑनलाइन हमें वो करते हैं, उनको एक टोकन जनरेट होता है, इस जनरेट के हिसाब से जैसे एक नंबर आएगा तो एक नंबर पे भी नंबर आ जाएगा, इस तरह से वो सीरियल होता है। जितना बजट हमारे पास में होता है उसकी शुरुआती जिनके टोकन नंबर होते हैं उनको हम क्या नाम भुगतान कर देते हैं। इस वर्ष हमने लगभग 12 करोड़ का भुगतान किया है, इसमें 2022-23 के लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपये और 2020-21 और 21-22 होगी इसमें 5 करोड़ 16 लाख रुपये का भुगतान हमने कर दिया। बकाया भुगतान के अलावा अब नई भर्ती प्रक्रिया भी हो गई है, कितने क्या स्टूडेंट उसमें समाहित हुए हैं, आरटीई के तहत तब एडमिशन की प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है, उसके अलावा हाँ पहले प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब जो नई प्रक्रिया चालू होगी इसमें आवेदन मांगे जाएंगे।